हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाउंस जेंडर के बारे में। ओके, देखिए पहले हम बात करते हैं नाउंस के टू जेंडर्स, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स के बारे में। तो देखिए, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ मेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। यानी ऐसा नाउन जो किसी मेल लिविंग बीइंग्स के बारे में हमें कुछ डिनोट करता है वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर में। यानी ऐसा नाउन जो मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है वो है मैस्कुलाइन जेंडर। और इसी तरह से अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ फीमेल लिविंग बींग इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। ऐसा नाउन जो किसी फीमेल लिविंग बींग के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर में। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इनको हम रीड करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं बॉय, गर्ल। तो देखिए बॉय ये मेल पर्सन है तो इसका जेंडर हुआ मैस्कुलाइन, गर्ल ये फीमेल है तो इसका जेंडर हुआ फेमिनाइन। सेम लाइक ब्रदर, अंकल, मैन, ये सभी मेल पर्सन हैं तो इनके जेंडर को हम बोलेंगे मैस्कुलाइन। और गर्ल, सिस्टर, आंट, विमन, ये सभी फीमेल पर्सन हैं, इनको हम बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर में। ओके, यानी यहाँ जो आपको टू कॉलम्स दिए हैं ये लेफ्ट और दिस इज राइट साइड कॉलम, तो द नाउन इन द लेफ्ट कॉलम स्टैंड फॉर मेल लिविंग बींग्स, ये सभी मेल लिविंग बींग्स के बारे में है, ठीक है ना। और द नाउन इन द राइट कॉलम, दिस कॉलम स्टैंड फॉर फीमेल लिविंग बींग्स, ये सभी फीमेल लिविंग बींग्स के बारे में है। तो अभी आपको क्लियर हुआ जो मेल लिविंग बींग्स के बारे में हमें जो वर्ड्स बताते हैं वो होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में, और जो फीमेल लिविंग बींग्स के बारे में बताते हैं वो होते हैं फेमिनाइन जेंडर में, ठीक है। अब हमें कुछ मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर याद भी रखने हैं, जैसे टाइगर, मैस्कुलाइन जेंडर्स ये सारे दिए हैं आपके, इनके फेमिनाइन क्या होंगे ये हमें याद रखना है। जैसे टाइगर, टाइगर का होगा टाइग्रेस, बक, बक का होता है डो, बक एक हिरन होता है ना, और ये हिरनी होती है डो। बुल, बुल का काओ, सेम कॉक, हैन, फॉक्स, विक्सन, पीकॉक, पीहैन, हॉर्स, मेयर, लॉयन, लॉयनेस, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, बॉय, गर्ल, मैन, विमन, नेफ्यू, नीस, नेफ्यू भतीजा होता है, नीस भतीजी को बोलते हैं, प्रिंस, प्रिंसेस, सर, मैडम, अंकल, आंट। ओके, देन यू हैव टू लर्न ऑल दीज जेंडर्स, देन दिस इज द नाउन जेंडर एक्सरसाइज फॉर यू। यू हैव टू राइट मैस्कुलाइन जेंडर्स हियर एंड फेमिनाइन जेंडर्स हियर। आपको इन वर्ड्स के मैस्कुलाइन जेंडर्स को यहाँ लिखना है और इन वर्ड्स के फेमिनाइन जेंडर्स को यहाँ लिखना है। ओके, सेम एक्सरसाइज बी, सर्कल द मैस्कुलाइन एंड अंडरलाइन द फेमिनाइन नाउंस। इन सभी सेंटेंसेस में आपको जहाँ भी मैस्कुलाइन नाउन मिलता है उसको आपको सर्कल करना है, और अगर फेमिनाइन नाउंस कहीं भी दिखाई देते हैं तो उनको अंडरलाइन करना है। ओके किड्स, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टू मोर नाउंस, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। अच्छा, न्यूटर जेंडर क्या होता है? अब देखिए इन वर्ड्स को रीड करिए, रीड दीज नाउंस, पेन, पेंसिल, बैट, बॉल, ऑल दीज नाउंस आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। देखिए ये सभी चीज़ें जो दी हैं, पेन, पेंसिल, बैट, बॉल, और आपके पास और भी बुक्स, टेबल, चेयर है ना, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो ये ना तो मेल होती हैं ना ही फीमेल होती हैं, तो सच नाउंस आर ऑफ न्यूटर जेंडर। तो इनके जेंडर को हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर, जो ना मेल होता है और ना ही फीमेल होता है उसको बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, ऐसा नाउन जो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इज सैड टू बी
ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर में. ओके, नेक्स्ट वन इज कॉमन जेंडर. लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर, ही इज मिस्टर वर्मा. ओके, मिसेस वर्मा इज ऑल्सो अ डॉक्टर, शी इज मिसेस वर्मा. अब देखिए, मिस्टर वर्मा भी डॉक्टर हैं ये, और मिसेस वर्मा भी डॉक्टर हैं. तो वन वर्ड, दोनों के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, वन वर्ड. डॉक्टर कैन स्टैंड आइदर फॉर मिस्टर वर्मा और फॉर मिसेस वर्मा. यानी एक वर्ड, सीधा डॉक्टर वाला जो वर्ड है ये हम इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम या तो इनको भी डॉक्टर बोल सकते हैं और इनको भी डॉक्टर बोल सकते हैं. सो वी कैन यूज़ इट आइदर फॉर अ मेल और फॉर अ फीमेल. दिस मीन्स दैट डॉक्टर इज ऑफ द कॉमन जेंडर. कुछ समझ में आया? ऐसे वर्ड्स जो हम मेल पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हों और फीमेल पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हों, ऐसे जेंडर्स को बोलते हैं हम कॉमन जेंडर. जैसे डॉक्टर है और स्टूडेंट प्लेयर. देखिए, स्टूडेंट भी मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. सेम प्लेयर, क्लासमेट, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड, प्रिंसिपल, कजन एंड सो मोर. ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो मेल के भी, मेल पर्सन को भी डिनोट करते हैं और फीमेल को भी. तो इन सभी जेंडर, इन सभी नाउन्स के जेंडर को हम बोलेंगे कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट कैन स्टैंड फॉर आइदर अ मेल और फॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. यानी ऐसे नाउन जिनको हम मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हों, वो होते हैं कॉमन जेंडर. ठीक है, अब आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन्स. इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जितने भी नाउन्स हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एंड राइट वेदर दे आर ऑफ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. आपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन अभी सीखा था ना, इसी तरह से इन सभी सेंटेंसेस में जो आपको मैस्कुलाइन जेंडर दिखता है उसके आगे मैस्कुलाइन लिखना है. अंडरलाइन करने के बाद फेमिनाइन है तो उसको अंडरलाइन करके फेमिनाइन लिखिए, कॉमन है तो कॉमन, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल जेंडर. ओके, सो दिस इज द होमवर्क, कीप इट फास्ट एंड सेंड मी. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.